अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा टीज़ किया जा रहा है मुझे और मेरे हस्बैंड को कि हमारा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा एज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, ना ही वो इतने बड़े हैं और ना ही मैं इतनी छोटी हूँ जितनी कि मैं आप लोगों को देखने में छोटी लगती हूँ। अगर हमारा एज डिफरेंस है भी तो इसमें तनकीद और एतराज़ करने वाली क्या बात है, जबकि ये चीज़ हमारे इस्लाम में भी जायज़ है कि आप किसी छोटी लड़की से या किसी भी बड़ी औरत से आप शादी कर सकते हैं। जबकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अम्मा आयशा से शादी की तो इस चीज़ का हम सबको पता है कि उनका एज डिफरेंस कितना था। तो इस चीज़ पर हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए और एतराज़ नहीं करना चाहिए। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं लग रही कि हम किस कल्चर को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस चीज़ पर एतराज़ कर रहे हैं कि मैं अपने खावंद की चौथी बीवी हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ चौथी या पांचवी या इवन 10वीं बीवी होना भी कोई जुर्म है। जब एक इंसान फॉल कर सकता है तो उसे करनी चाहिए। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि मैं चौथी बीवी हूँ, मैं आप लोग से ये बात क्लियर कर दूं कि वो जो पहली तीन बीवियां उनकी, उनसे उनकी डिवोर्स हो चुकी हैं, तो अभी फिलहाल मैं एक ही उनकी बीवी हूँ और इंशाल्लाह मैं ही रहूंगी। तो आप लोग ये बात क्लियर कर लें।